ICM एजुकेशन और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एनालॉग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपने पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज में आने वाला है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करते हैं और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप में अपलोड करके रखा हुआ है जिसको उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे और चलो इस क्वेश्चन का अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि क्लिपर सर्किट का क्वेश्चन है और क्लिपर सर्किट इज शोन इन बिलो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ये टर्म आपको ये वर्ड यहाँ पे मेंशन हो। ठीक है, आपको मैंने पहले भी अपने एनालॉग की वीडियोस में बता के रखा हुआ है कि क्लिपर सर्किट का अपने पास ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ये वर्ड आपको मेंशन रहेगी जो फिगर है वो कौन सा गिवन है आपको। ठीक, दूसरी चीज अगर आप क्लिपर सर्किट के मेरे कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है पूरे वहां पे 35-37 वीडियोस हैं जहां पे मैंने डायोड्स और उसके एप्लीकेशंस की मैंने बात की हुई है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आपको डिस्कशन में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो वहां पे आप जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी बात अपन इस क्वेश्चन की करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि ये जो एक साइनसॉइडल इनपुट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और साइनसॉइडल इनपुट की जब बात होती है तो भाई उसके दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। लेकिन यहां पे जो वी आई है वो किस फॉर्म में गिवन है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अपने को पता नहीं है। ठीक, तो अगेन यहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। और इसके लिए मेरे पास गिवन है सर एज्यूमिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द डायोड्स। सर यहाँ पे डायोड्स की बात हो रही है तो भाई दो टाइप के यहाँ पे डायोड लगे हुए, एक मेरे पास है यहाँ पे जेड डायोड, ये जेड डायोड मेरे पास, और एक सिंपल डायोड मेरे पास गिवन है, आप देख सकते हो। ठीक, एक नॉर्मल डायोड, उसके बाद लिखा है कि 0.7 वोल्ट है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, मतलब क्या है ये अपने पास कि जब ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा तो वो कटिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस होगा और उसकी वैल्यू गिवन अपने को 0.7 वोल्ट। ठीक, आपको फाइंड करना है कि द इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट इज, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको फोर ऑप्शंस यहां पे गिवन है जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई क्लिपर सर्किट की अगर बात करता हूं तो क्लिपर सर्किट में दो टाइप की चीजें होती है, हमेशा आपको फिगर गिवन होता है और उस फिगर को एनालिसिस करना होता है और उसके अपने को कैसे इनपुट वेवफॉर्म जो अपन अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली इस क्लिपर सर्किट में कैसा आउटपुट वेवफॉर्म तैयार होगा, और दूसरा होता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो डेडिकेटेड है किसके लिए सर, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो आप देखेंगे कि चार ऑप्शंस में यहाँ पे वी नॉट और वी आई, मतलब कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी बात होगी तो ये वी नॉट और वी आई के बीच बना होगा, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखता हूं तो यहाँ पे जो वी आई अप्लाई हो रहा है उसके लिए मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है केस नंबर वन। ठीक है, केस नंबर वन की अगर बात करूं यहाँ पे, सो मैंने वी आई के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, वी आई के पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक, अब एक बात बताओ कि सर ये जो दो डायोड लगे हुए हैं अगर डायोड को वर्किंग में आना है तो डायोड के वर्किंग में आने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये फॉरवर्ड बायस रखता है, ये रिवर्स बायस रखता है, नॉर्मल डायोड। ठीक, और अगर मैं जेड डायोड की बात करता हूं तो जेड डायोड में अपने पास तीन केस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में दो केस होती है, एक होता है रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन और एक होता है रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन। ठीक, तो इसका अपने को डिस्कशन करना है तो डायोड वर्किंग में कब आएगा, कैसे वो बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है कि इनपुट में आपने क्या अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास हो गया प्लस और माइनस, तो वी आई के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, मतलब ये बोल सकता हूं कि यहां पे वी आई के मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज की यहां पे बात हो रही है, वी आई के पॉजिटिव वैल्यूज की, समझ में आ रही है अभी बात। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सर ये जो डायोड है ये अपने पास एक प्रैक्टिकल डायोड गिवन है क्योंकि इसका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अभी इसी डायोड को मैं यहाँ पे आइडियल बनाने वाला हूं, कैसे ये देखो, इसको मैंने आइडियल लिख दिया। जब आप आइडियल लिखोगे तो इस डायोड को सिंपली ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए सर, मिनिमम 0.7 वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तब ये डायोड ऑन होगा। लेकिन अगर मैं डायोड के पी टर्मिनल और एन टर्मिनल की बात कर रहा हूं तो इसका एन टर्मिनल जो है वो फिक्स्ड वोल्टेज पे यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है और वो है 5 वोल्ट्स। ठीक, और अपने को पता है कि जब भी डायोड को ऑन होना है तो ऑन होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वीपी का जो पोटेंशियल है वो वी एन से ग्रेटर होना चाहिए, समझ में आ रही बात। इसका मतलब है कि अगर मैं इस फिगर को देख रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास ये एन जो है, ये जो एन मेरे पास है वो 5 वोल्ट पे फिक्स है। इसका मतलब है कि इस डायोड को अगर ऑन होना है तो ये 5 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए, कब, जब मेरे पास आइडियल डायोड की बात हो रही है।
लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल डेट गिवन है, इसका मतलब है कि 5 वोल्ट तो आपको चाहिए चाहिए, उसके साथ में आपको 5 वोल्ट के साथ में 0.7 वोल्ट का एक ड्रॉप आपको चाहिए होगा अक्रॉस इट पी टू एन टर्मिनल, समझ में आ गई बात। और इसी डायोड को मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, जब ये डायोड फॉर्ड पास पे होगा तो इसका पोलैरिटी होगा प्लस और माइनस 0.7 वोल्ट, समझ में आ गई बात। तो 5 वोल्ट तो इसको चाहिए ही यहां पे पी टर्मिनल पे इस डायोड को ऑन होने के लिए, लेकिन एडिशनली अपने पास एक प्रैक्टिकल डायोड गिवन है, इसको मैं आइडियल में चेंज कर रहा हूं और प्लस माइनस अगर मैं डायोड को देख रहा हूं तो यहां पे मेरे पास कैसे दिखेगा, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया प्लस माइनस 0.7 वोल्ट और प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार करता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर, 5.7 वोल्ट। ये अब ये मेरे पास चेंज हो गया एक प्रैक्टिकल डायोड से आइडियल डायोड में, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि आप देखोगे सर एन टर्मिनल जो है वो 5.7 वोल्ट पे फिक्स हो चुका है, समझ में आ गई बात। अगर एन 5.7 पे फिक्स है तो आपको एन टर्मिनल पे कितना ऐसा वोल्टेज चाहिए होगा जिससे ये डायोड ऑन हो, तो भाई सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास 5.7 से ग्रेटर होना चाहिए, समझ में आ गई चीज। तो 5.7 से जैसे ही ग्रेटर होगा वीपी का जो पोटेंशियल है पी टर्मिनल का वो हो जाएगा डायोड फॉर पास मतलब ऑन, ठीक। तो यहां पे मैंने उसको आइडियल डायोड में चेंज किया है। जब भी अपने पास स्लीपर सर्किट का क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप डायोड को आइडियल डायोड में चेंज करो, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको आइडियल डायोड में चेंज किया तो ये हो गया मेरे पास 5.7 वोल्ट जो पहले 5 वोल्ट पे फिक्स था, ठीक। तो भाई अपने को ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे डिफरेंट केस लेने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं एक साइनसोइडल वेव को देखता हूं, साइनसोइडल वेव, ठीक। तो साइनसोइडल वेव अपने को दिखता कैसा है ये देखो, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है अपने पास, ठीक। ये अगर मेरे पास हो गया VI तो 5.7 यहां पे होगा मेरे पास, ये देखो ये 5.7 वोल्ट। तो ये जैसे ही अपने पास इस सर्किट में इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये यहां से स्टार्ट होगा, और जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 5.7 तक मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में आप बोल सकते हो कि सर 0 से लेके VI की वैल्यू जो है वो 5.7 वोल्ट के बीच में है, ठीक। तो इस बीच में अपने पास क्या होगा कि भाई यहां पे अगर नॉर्मल डायोड की बात करता हूं तो पी टर्मिनल पे 5.7 वोल्ट से लेस वैल्यू का वोल्टेज आने वाला है इस VI से। इसका मतलब कि मैं यहां पे बोलूंगा कि सर ये जो डायोड आपके पास लगा हुआ है ये डायोड मेरे पास क्या होगा सर, ये ऑफ रहने वाला है इस केस में, समझ में आ गई बात। अब जैसे ही अगर मैं नॉर्थ यहां पे जेड डायोड की बात करता हूं तो जेड डायोड का अपने पास ये हो गया एन टर्मिनल और ये पी टर्मिनल, ठीक। इसका मतलब है कि वीआई के पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस डायोड के जेड डायोड के एन टर्मिनल पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, यहां पे आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे आ रही है। और सर ये क्या गिवन है अपने को, इस जेनर डायोड का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब है कि अगर इस जेनर डायोड को ब्रेकडाउन पे आना है तो इसको मिनिमम 10 वोल्ट का यहां पे वोल्टेज सोर्स यहां पे प्रोवाइड होना चाहिए, तभी ये जेनर डायोड जो है वो रिप्लेस होगा एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ और उसकी वैल्यू होगी 10 वोल्ट, ठीक। लेकिन भाई अपने को तो दिख रहा है कि अभी तो VI की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5.7 के बीच में है। इसका मतलब कि ये जो जेनर डायोड है ये क्या होने वाला है अभी अपने पास, सर जेनर डायोड अगर अपन यहां पे लिखेंगे कमेंट में तो ये हो गया मेरे पास ऑफ, ठीक। अगर ये ऑफ हो गया तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं यहां पे एक ओपन सर्किट के साथ, समझ वाली बात यहां पे, ठीक। तो अगर मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं तो आप लोग ध्यान से देखना यहां पे क्या होने वाला है। सो इस केस में मेरे पास दोनों डायोड यहां पे ओपन सर्किट हो गया, चलो ये दोनों को मैंने ओपन सर्किट किया तो ये मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ये मैं रिमूव कर दिया ये दोनों डायोड और ये ओपन सर्किट से आप रिप्लेस हो रहे हैं, ध्यान देना आप लोग ओपन सर्किट से। तो ये ओपन मतलब करंट कितना होगा 0, ये 0 करंट। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रांचेस में 0 करंट है तो यहां पे भी मेरे पास कितना करंट होना चाहिए सर, 0 एम्पीयर करंट होना चाहिए या 0 मिली एम्पीयर जो भी आप बोलो। तो बोल सकता हूं कि सर यहां पे कोई भी ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब कि वी नॉट जो इस नोड से वो डायरेक्टली यहां पे वीआई के इक्वल होगा, समझ में आ गई बात। तो मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं कि सर यहां पे जो आउटपुट होगा वो दैट इज इक्वल टू वीआई, मतलब कि 0 से लेके 5.7 के बीच तक ये देखो इस रेंज में मेरे पास आउटपुट वोल्टेज वीआई को फॉलो करेगा, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू वीआई, ठीक। तो
अब देखेंगे यहाँ पे v not equal to vi मेरे को मिल चुका है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब साइनसॉइडल वेव की बात करते हैं। तो साइनसॉइडल वेव जैसे ही अपने पास साइनसॉइडल वेव यहाँ पे 5.7 को क्रॉस करेगा, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सर केस नंबर 2, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास vi की वैल्यू ग्रेटर होगी यहाँ पे 5.7 वोल्ट से, तो जैसे ही ग्रेटर हुआ तो अपने पास ये जो डायोड था, ध्यान देना ये डायोड को ऑन होने के लिए पी टर्मिनल पे 5.7 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, क्योंकि एन टर्मिनल 5.7 पे फिक्स है। आप देखोगे पी टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है वीआई से, इसका मतलब है कि पी टर्मिनल पे 5.7 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। इसका मतलब ये आइडियल डायोड, और आइडियल डायोड जब रिप्लेस होगा फॉल्ट बायस केस में तो वो रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से। इसका मतलब मैं कमेंट करूंगा कि सर डायोड जो है वो इस बार हो गया ऑन, ऑन सर क्या लिखेंगे इसको अपन, फॉल्ट बायस, ठीक है, फॉल्ट बायस। ये क्या आपके पास सर ये रिवर्स बायस शो कर रहा है, ये सब रिवर्स बायस है यहाँ पे, ठीक, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे डायोड जो है वो ऑन तो हो रहा है, और एक इससे रिप्लेस होगा सर शॉर्ट सर्किट से। अगर ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हुआ तो देखो मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप ध्यान देना कि ये मेरे पास पूरे ब्रांच के क्रॉस ये वी नॉट है, आप समझ में आ गया आपको। आप इस वी नॉट को देखोगे तो वी नॉट एक्चुअली में यहाँ पे है, दिस वन, ये वी नॉट पूरा टोटल वोल्टेज होने वाला है, ये शॉर्ट सर्किट का 0 वोल्ट और ये 5.7 वोल्ट जो कि V नॉट के डायरेक्ट पैरेलल में दिखेगा। और एट द सेम टाइम अगर आप जेनर डायोड को देख रहे हो, अगर आप जेनर डायोड को देख रहे हो तो भाई जेनर डायोड के सामने, ध्यान देना जेनर डायोड के जस्ट सामने पैरेलल में यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, इसको मैं देखो फिर से बना देता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे पैरेलल में लगा है जेनर डायोड और ये एन टर्मिनल ये पी टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस अगर इसको ब्रेकडाउन पे आना है तो इसको 10 वोल्ट तो मिनिमम चाहिए, लेकिन इसके सामने जो ब्रांच लगा हुआ है ये तो 5.7 पे फिक्स हो गया, समझ में आ गई बात। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जेड डायोड अभी भी यहाँ पे ऑफ है, या आप इसको बोल सकते हो कि सर ये रिवर्स बायस है और रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, ये इसका मतलब ये रिप्लेस होगा ओपन सर्किट के साथ। और आप बोलोगे सर वी नॉट की जो वैल्यू होगी इस बार आ जाएगी 5.7 वोल्ट, समझ में आ गई चीज। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब एक सिंपल सा है कि भाई आप अगर एक इनपुट वेवफॉर्म को देख रहे होंगे, अगर मैं एक इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं, अभी मैंने जस्ट ड्रॉ किया था ये कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये मेरे पास हो गया इनपुट वेवफॉर्म, तो ये 0 वोल्ट हो गया और ये मेरे पास सर 5.7 वोल्ट। तो मैंने आपको बात क्या किया हुआ है कि सर वी आई की वैल्यू जैसे ही 5.7 से ग्रेटर हो गया तो डायोड तो ऑन हो जाएगा, नॉर्मल डायोड, लेकिन सर कब तक ऑन रहेगा, सर ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा। कब के लिए सर, जब मैं वी आई के पॉजिटिव ऑफ साइकिल या पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूं, 5.7 से ग्रेटर वैल्यूज। अब वो यहाँ पे मैक्सिमम 10 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 100 वोल्ट हो, कहीं पे भी हो, ऑलवेज ये डायोड जो है वो ऑन रहेगा पॉजिटिव ऑफ साइकिल में आफ्टर या अबोव दी 5.7 वोल्ट रेफरेंस लेवल, और एट द सेम टाइम इसके सामने आएगा 5.7 का। इसका मतलब क्या है सर कि ये जेनर डायोड कभी अब ऑन नहीं होगा, समझ में आ गई बात। ऑन का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन, मतलब ये जेनर डायोड कभी भी अब ब्रेकडाउन पे नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। किसके लिए सर, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वी आई अबोव दी 5.7 रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब तो ये तो मेरे पास बात हो गई पॉजिटिव ऑफ साइकिल का। अब इसको अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना यहां पे, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो मेरे पास यहां पे आएगा नेक्स्ट केस, और थर्ड नंबर केस में बोलूंगा मैं कि सर इस बार वी आई के नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। इसका मतलब कि मैं वी आई में सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूं, ये क्या बोलूंगा मैं यहां पे सर, नेगेटिव वैल्यूज, ठीक। अगर यहां पे, अगर यहां पे नेगेटिव वैल्यूज होता है तो डायोड को देखो वापस मैं यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, ये डायोड को मैंने वापस कनेक्ट किया, तो नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही है, तो वी आई की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव वैल्यू इस पी टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है और एन टर्मिनल 5.7 पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्टेज पे फिक्स है। इसका मतलब कि मैं बोलूंगा सर डायोड होगा वो अब रिवर्स बायस ही रहेगा, मतलब ओपन सर्किट से ही रिप्लेस होगा, तो मैं इसको ओपन सर्किट कर दिया, दैट इज ओके। लेकिन जब मैं यहां पे बात करता हूं कि सर जेड डायोड, तो जेड डायोड के अपने पास आप देखोगे वीआई के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव वैल्यू यहां पे पी टर्मिनल पे आने वाली है और वीआई की नेगेटिव वैल्यूज एन टर्मिनल पे आने वाली, मतलब कि क्या कि सर अपने पास यहां पे एक और केस बनेगा। और अगर मैं वो केस को आपको बताऊं यहां पे, अगर मैं वो केस को बताऊं तो आप लोग देखना है यहां पे ध्यान से,
दिस वन, ये मेरे पास हो गया वी आई और मैंने ये यहां पे फिगर बनाया हुआ है, तो ये मेरे पास ये लेवल हो गया दिस वन, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, ये तो ओपन सर्किट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर जीरो डायोड पे क्या हो, तो जीरो डायोड पे एन टर्मिनल पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है और वैसे ही पी टर्मिनल पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। अभी मैंने पोलैरिटी को चेंज नहीं किया, मैं बोल रहा हूं कि वी आई की नेगेटिव वैल्यूज एन पे जा रही है, पॉजिटिव वैल्यूज पी पे जा रही है, तो ये कंफर्म है कि डायोड क्या होगा, ऑन होगा। लेकिन इस डायोड के हमेशा ऑन होने के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सर डायोड्स का ऑन होना 0.7 वोल्ट उसको रिक्वायर है। इसका मतलब कौन सा 0.7 वोल्ट, सर नेगेटिव 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये नेगेटिव 0.7 चाहिए, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे कौन सा केस, सर ये केस अपने पास है जीरो, ये 0.7 वोल्ट से लेके अपने पास सर जीरो वोल्ट तक, मतलब कौन सा रेंज है अपने पास, सर दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो रेंज होने वाला है, उस रेंज में वी आई की वैल्यू जो है वो माइनस 0.7 से लेस रहेगी, आप समझ में आ रही बात, ठीक। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूं तो वी आई की वैल्यू अभी भी माइनस 0.7 से ग्रेटर है और ये डायोड को ऑन होना है तो इसको 0.7 चाहिए, तो 0.7 अभी पहुंचा नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो जेनर डायोड होगा वो मेरे पास अभी भी रिवर्स बायस में होगा और मैं बोलूंगा विदाउट ब्रेकडाउन, क्या बोला मैंने, विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास कि दोनों के दोनों डायोड जो है, दोनों के दोनों डायोड यहां पे ऑफ रहने वाले हैं, तो ये हो गया ओपन सर्किट। और इस केस के लिए मैं इसको अलग से यहां पे लिख देता हूं, इस केस के लिए अपने पास कि सर वी नॉट जो है वो वी आई को फॉलो करेगा, क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट केस की यहां पे बात करता हूं, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं नेक्स्ट केस को देखता हूं कब सर, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में, जब अपने पास नेगेटिव हाफ साइकिल में वी आई की जो वैल्यू होगी वो माइनस 0.7 से भी लेस होगी, मतलब और वो नीचे जाएगा, तो इस डायोड जेड डायोड को यहां पे अब वो वोल्टेज मिलेगा जिससे ये अपने पास क्वार्ट बेस में आने वाला है, ठीक है। तो ये किससे रिप्लेस होगा सर, ये रिप्लेस होगा अपने पास ये एन की तरफ माइनस और पी की तरफ प्लस, ऐसे ही होता है, नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करता है क्वार्ट बेस में, और रिप्लेस होगा ये 0.7 वोल्ट के साथ, समझ में आ गई बात। इसका मतलब है कि भाई नॉर्मल डायोड तो अभी भी मेरे पास रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, लेकिन जेनर डायोड जो है वो अब, जेनर डायोड जो है अब यहां पे आ जाएगा फॉरवर्ड बायस और वो रिप्लेस होगा यहां पे 0.7 वोल्ट के साथ, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक। अब जैसे ही रिप्लेस हो गया, जैसे ही मेरे पास ये रिप्लेस हुआ, तो आप देखो कि V नॉट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहां पे पैरेलल है, ये V नॉट यहां पे भी आ जाएगा, ये तो V नॉट के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, वो आएगा मेरे पास सर V नॉट माइनस 0.7 वोल्ट के। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को चार केस में डिवाइड किया, बड़ी आसानी से आप इतना एनालिसिस कर सकते हो अगर आपको डायोड के पी और एन टर्मिनल पे वोल्टेज को मैनेज करने आता है तो, ठीक। अब बस यहां पे अपने को आंसर देना है, ठीक है, तो चलो आंसर देते हैं यहां पे। तो अगर मैं इसको ऐसे रिमूव करता हूं, ठीक, सो किसे रिमूव कर दे, अपने पास स्पेस नहीं है, चलो ये फिगर ही डाल देते हैं अपन। तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता हूं, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे, सर ये हो गया वी आई और वी नॉट, ठीक, ये अपने पास हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो मेरे पास हो गया जीरो और ये अपने पास हो गया सर 5.7 वोल्ट, तो 5.7 से जैसे ही हो रहा है उससे जीरो से 5.7 के बीच तक V नॉट वी आई को फॉलो कर रहा था, आप देख सकते हो सर V नॉट वी आई को फॉलो कर रहा है, ये देखो ये फॉलो कर रहा है, और जैसे ही 5.7 से ग्रेटर वैल्यू होती है तो ये V नॉट 5.7 को फॉलो करता है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास सर, इसकी वैल्यू मेरे पास होने वाली है सर 5.7 वोल्ट, ठीक। उसके बाद अगर अपन देखें यहां पे वोल्टेज सर माइनस 0.7 वोल्ट का, तो जीरो से लेके माइनस 0.7 वोल्ट, थर्ड केस, इस केस में V नॉट V आई को फॉलो कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहां पे, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि सर इस केस के लिए V नॉट V आई है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगा, सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है यार, अपने पास जो V नॉट इक्वल टू V आई लिखा है ना ये, तो इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से यहां पे चेक करता हूं तो आपको क्या दिख रहा है सर, स्लोप की वैल्यू आपको 1 दिख रही है और इंटरसेप्ट इन y एक्सिस आपको 0 दिख रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन मेरे पास, और जैसे ही ये माइनस 0.7 को, जैसे ही माइनस 0.7 को ये क्रॉस करेगा, मतलब उससे और नेगेटिव होगा,
तो जीरो ब्रेकडाउन यहां पे आ जाएगा फॉर बैस, और वी नॉट जो होगा वो माइनस पॉइंट सेवन को फॉलो करेगा। ये कितना आ गया माइनस पॉइंट सेवन वोल्ट। तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरे पास हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप चेक करो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखोगे सर ऑप्शन ए को मैंने हटाई दिया था क्योंकि मुझे पता था ऑप्शन ए तो आंसर ही नहीं है। ऑप्शन सी अपने पास ये हो गया आंसर। ये ठीक। तो ये था मेरे पास एक कंप्लीट डिस्कशन क्लिपर सर्किट के बारे में। ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपको ये यहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी तो आप उस वीडियो को जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। एनालॉग के पूरे सीरीज में आपके पास लेके आया हूं, नेटवर्क के भी यहाँ पे चल रहे हैं और मैथ्स के भी, प्लस दो से तीन दिन में आपके पास मैथ्स के भी आने लग जाएंगे। ठीक, जो आपके गेट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग फॉलो जरूर करना। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय क्लास, थैंक यू।